दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल सारे ब्रांड्स चाहे वो मोबाइल फोन्स बनाते हों या वो कैमरे बनाते हों लेकिन लोलाइट फोटोग्राफी में बहुत ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि सेल्फी फोटोग्राफ्स के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोलाइट फोटोग्राफी बन चुका है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आपकी लोलाइट फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। लोलाइट फोटोग्राफी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप में से एक इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप अपने कैमरे को जितना हो सके स्टेबल रखिए, क्योंकि लो लाइट फोटोग्राफी करते टाइम आपके कैमरे का शटर स्पीड अपने आप ही कम हो जाता है क्योंकि कैमरे को ज्यादा लाइट चाहिए होती है। इसी वजह से लो लाइट फोटोग्राफी करते टाइम आपके कैमरे का शटर स्पीड खुद ही कम हो जाता है क्योंकि कैमरे को ज्यादा लाइट चाहिए होती है लो लाइट सिचुएशन पे, और उस टाइम पर अगर आपका हाथ स्टेबल नहीं होगा तो फोटोग्राफ के ब्लर आने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा लो लाइट फोटोग्राफी के लिए दूसरा इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप मोबाइल फोन या अपने कैमरे के साथ आप ट्राइपॉड भी यूज कर सकते हैं। ट्राइपॉड से स्टेबिलिटी मिलेगी और लोलाइट फोटोग्राफ बेटर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा थर्ड इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जब आप लोलाइट फोटोग्राफी करें तो कैमरे का फोकस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, जिसके लिए आप फोन पे टच कर सकते हैं या कैमरे के फोकस पॉइंट को वहां ले जा सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा फोकस आपको जिस चीज पर चाहिए उस पर आप फोकस करिए थ्रू द टच, या फिर कैमरे के फोकस पॉइंट को उस सब्जेक्ट पे लेकर जाइए। इसके अलावा फोर्थ टिप ये है कि अगर आपके कैमरे में या मोबाइल फोन में मैनुअल सेटिंग्स दी हुई है तो उसमें आप मैनुअल सेटिंग्स करके शटर स्पीड कम करके या अपर्चर नंबर को जितना कम हो सके, जैसे मान लीजिए 2.0 1.8 जितना कम हो सके उतना कम करिए, अपर्चर नंबर को कम रखेंगे शटर स्पीड को कम रखेंगे तो फिर लोलाइट परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। लेकिन शटर स्पीड को 1/60 से कम मत करिएगा क्योंकि अगर आपने 1/60 से शटर स्पीड को कम करा तो आपको ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है, और नॉर्मली फोन्स के अंदर ऑटो मोड होता है मैनुअल मोड नहीं होता है तो उस सिचुएशन की बात अलग है। लेकिन अगर आपके फोन में या आपके कैमरे में मैनुअल मोड दिया हुआ है तो आप मैनुअल मोड यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आप ISO को अपने 800 या 1600 से ऊपर कर दिया ISO को तो आप देखेंगे कि आपके फोटोग्राफ में नॉइज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि डॉट डॉट जैसा दिखेगा फोटोग्राफ के अंदर। इसके अलावा पांचवा टिप ये है कि अगर आपको लोलाइट फोटोग्राफी पसंद है तो कोशिश करिए सनसेट या सनराइज, यानी कि सूर्य उदय या फिर सूर्यास्त में आप फोटोग्राफी करें, क्योंकि उस टाइम पर आपको हल्की सी रेडनेस यानी कि लालिमा मिलती है जो कि सूरज की रोशनी होती है, तो उस टाइम पर फोटोग्राफ काफी अच्छी आती है और इस तरह की फोटोग्राफ कई बार यादगार बन जाती है क्योंकि इस टाइम पर हल्की सी रोशनी और हल्का सा शेडो काफी अच्छे क्रिएटिव इफेक्ट्स देता है। इसके अलावा छठा टिप यह है कि आप अपने फोन के या कैमरे के फ्लैश को यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फोटोग्राफ में जो शेडो है वो नहीं आना चाहिए, फ्लैश ओवर एक्सपोज ना कर दे या फिर अननेचुरल से फोटोग्राफ ना दिखे, इस तरह से फ्लैश का यूज करिएगा। दोस्तों सातवां टिप यह है कि आप अपने कैमरे में जूम करने से बचें, क्योंकि लो लाइट सिचुएशन के टाइम पे अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो लो लाइट पर है तो अगर आप जूम यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और स्पेशली लो लाइट सिचुएशन में अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं जिसमें कि आपको ऑप्टिकल जूम नहीं दिया हुआ होता यानी कि थ्रू द लेंस जूम नहीं दिया हुआ होता तो वहां पर आप मोबाइल फोन में जूम करने से बचिए। अगर आप जूम यूज भी कर रहे हैं तो दिन के टाइम में यूज करिए। इसके अलावा अगर आपके फोन में या कैमरे में मैनुअल मोड नहीं दिया हुआ है और आपको लग रहा है मैनुअल मोड यूज करना तो मुश्किल रहेगा, इसे कैसे यूज करेंगे, तो आप सिंपली क्या करिए अपने फोन में या कैमरे के अंदर नाइट मोड दिया हुआ होगा उसको लगा के यूज करिए कैमरे को और हाथ को स्टेबल रखिएगा लो लाइट सिचुएशन के टाइम पे। इसके अलावा HDR को भी काफी प्रमोट करते हैं कैमरा ब्रांड्स या मोबाइल कंपनियां, तो अगर आपके फोन में HDR मोड है तो उसका यूज करेंगे, आप देखेंगे कि HDR मोड को यूज करने से लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा और ज्यादा ISO यूज करने पर भी नॉइस के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो अगर आपके कैमरे में या मोबाइल फोन में HDR का मोड दिया हुआ है तो उसको यूज करें लो लाइट सिचुएशन के टाइम पे। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिससे कि लो लाइट फोटोग्राफी आपकी बेटर हो पाए, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।